गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सागर सर। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड टिल लॉ एंड एजुकेशन ऑफ पेज नंबर 4। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। मॉडर्न पीरियड इन इंडिया मतलब भारत में आधुनिक काल। इन द मिडाइबल पीरियड इंडिया अटेंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनरिचमेंट अंडर द ग्रेट मुगल हुज रूल बिगेन विद बाबर एक्सेशन इन 1526 एंड एंडेड विद औरंगजेब डेथ इन 1707। मध्यकाल के दौरान बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके राजरोहन से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल वंश माना जाता है। और इस दौरान भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वह बहुत ही मजबूत थी, आर्थिक वैभवता थी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत धनी था। आफ्टर दिस द मुगल एम्पायर डिक्लाइन एंड ब्रोक अप इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम। उसके मृत्यु मान इसके बाद मुगल का पतन शुरू हो गया और भारत में बहुत सारे स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। इंडिया बिकम पॉलिटिकली अनस्टेबल एंड अट्रैक्ट फॉरनर इन्वेडर। भारत में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई और बहुत सारे विदेशियों द्वारा आक्रमण किया गया। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द मिड 18th सेंचुरी। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से शुरू हुआ। अराउंड दिस टाइम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड अराउंड द सेम टाइम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू कॉलोनाइज इंडिया। इस समय के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में शुरू हो गया था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपना उपनिवेशवाद शुरू कर दिया था। इंग्लैंड ने धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। एट दिस टाइम द लेटर मुगल द मराठा एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज एज द चीफ कंटेंडर फॉर पॉलिटिकल सुपरमेसी इन इंडिया। इस समय में भारत में राजनीतिक शक्ति के लड़ाई में जो कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसी दौरान लेटर मुगल मतलब उत्तर मुगल जो कि बहादुर शाह फर्स्ट से शुरू होता है और मराठा उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं, युद्ध करते हैं। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द कंपनी इमर्ज विक्टोरियस इन कॉन्टेस्ट एंड कॉलोनीज लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी जो है वह एक विजेता के रूप में उभर कर सामने आता है और भारत के बृहद पार्ट को, बड़े से भाग को वह अपना उपनिवेश बना लेता है। द मुगल एम्पायर फाइनली कोलैप्स्ड आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंपनी इन 1857। मुगल साम्राज्य का लगभग पतन हो जाता है, अंत तक पतन हो जाता है जब वे कंपनी के विरुद्ध 1857 का विद्रोह लड़ते हैं। द कंपनी वॉज डिजॉल्व इन 1858। कंपनी जो है वह 1858 में लगभग ख़त्म हो जाता है एंड द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया। और भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन का शासन चलने लगता है, महारानी एलिजाबेथ का शासन शुरू हो जाता है सीधे तौर पर। इन इंडिया देयर वॉज ए फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल विच अल्टीमेटली लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत में जो है ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू होता है और वह 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने तक चलता है। देयर आफ्टर इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उसके बाद भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बन जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू रीजनल आइडेंटिटीज इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में नए क्षेत्रीय पहचान या कोई जो अच्छे अच्छे या बड़े बड़े राज्य थे उनके बारे में दिया हुआ है। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली डिक्लाइन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर क्रमशः चला जाता है। न्यू रीजनल पावर इमर्ज, नए क्षेत्रीय शक्ति का उत्थान होता है एंड बाय द मिड 18th सेंचुरी और 18वीं शताब्दी के मध्य तक डायरेक्टली मुगल रूल कंटिन्यूड ओनली इन द रीजन अराउंड दिल्ली। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल का शासन केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रह जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मराठा। ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन शिवाजी इस्टेब्लिश द मराठा स्टेट इन मॉडर्न महाराष्ट्र। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही शिवाजी आधुनिक महाराष्ट्र के करीब
उसके अगल बगल, आधुनिक महाराष्ट्र के अगल बगल जो है मराठा साम्राज्य का स्थापना करता है। द मराठा बिकम स्ट्रॉन्ग राइबल ऑफ द मुगल इन डेक्कन। मराठा जो है वह डेक्कन क्षेत्र में मुगलों का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। शिवाजी डिसेंडेंट से ग्रू इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द चीफ मिनिस्टर कॉल्ड पेशवा। शिवाजी का जो वंशज है वह पूरी तरह से अपने प्रमुख मंत्री, जिसको कि पेशवा कहा जाता है, उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। द पेशवा पोजिशन बिकम हेरिडेटरी। पेशवा का जो पद है वह वंशानुगत बन जाता है एंड बिकम द रियल रूलर, और वही लोग वास्तविक शासक बन जाते हैं। द पेशवा एक्सपेंड मराठा इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सम पावरफुल मराठा चीफ। पेशवा जो है वह मराठा साम्राज्य का प्रभुत्व जो है वो उत्तर भारत तक ले जाता है कुछ शक्तिशाली मराठा सम्राट या मराठा प्रमुख के द्वारा, मराठा मंत्रियों के द्वारा। दिस चीफ बिकम पावरफुल इन पर्टिकुलर रीजन। ये प्रमुख जो है या ये मंत्री जो है या चीफ जो है वह कुछ क्षेत्रों में प्रमुख बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, द गुजरात रीजन वॉज डोमिनेटेड बाई द फैमिली ऑफ गायकवाड सेंटर्ड एट बड़ौदा। उदाहरण के तौर पर गुजरात क्षेत्र में गायकवाड परिवार का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और उसका केंद्र बड़ौदा रहता है। द रीजन नॉर्थ ऑफ नर्मदा बाय द होलकर ऑफ इंदौर, और नर्मदा नदी के ऊपर इंदौर के होलकर परिवार का प्रभुत्व हो जाता है। द रीजन साउथ ऑफ यमुना एंड बॉर्डरिंग दिल्ली एंड पंजाब बाय द सिंधिया ऑफ ग्वालियर। यमुना नदी और दिल्ली के सीमा और पंजाब के पास ग्वालियर का, सिंधिया का प्रभुत्व हो जाता है। एंड द नॉर्थन डेक्कन बाय द भोसले ऑफ नागपुर, और डेक्कन के उत्तरी भाग पर नागपुर के भोसले का प्रभुत्व हो जाता है। थैंक यू।